नेशनल चैनल की फर्जी तौर पर आईडी लेकर घूमने वाला प्रीतम सिंह निकला सेंट्रल स्टेशन के अवैध वेंडरों का हिमायती। आपको बताते चलें कि बीते कई दिनों से सेंट्रल स्टेशन में भोजन पानी ज्यादा रेट में बिकवाने और कई दिनों के खराब समोसे बिकवाने का विरोध कुछ वेंडरों द्वारा किया गया। दर्जनों वेंडर्स ने स्टेशन परिसर में विरोध करते हुए सतीश और माखन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, जिसकी खबर लगभग सभी वेंडरों ने लगाई, जिस पर कार्रवाई भी हुई। बराबर विजुअल के आधार पर लगातार कार्यवाही व चालान से बौखलाए कैंटीन ठेकेदार माखन सतीश व इनका रिश्तेदार प्रीतम सिंह। खबर बंद करने के लिए पहले दिन से फर्जी आईडी बनाकर कमेंट करना, धमकाना और वसूली का आरोप लगाना। जब किसी तरह का दबाव नहीं बनता देख प्रीतम के रिश्ते में भाई माखन ने जातिवाद व धर्मवाद करते हुए भड़काऊ पोस्ट कर दिया, जिसका विरोध समाज के लोगों और पत्रकारों के द्वारा किया गया, तो विभाग ने एक टीम जांच में लगा दी। टीम ने लिखित शिकायत लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिए। ऐसे में तुरंत अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए प्रीतम सिंह ने आगे आकर अपने रिश्ते में चाचा सतीश और भाई माखन की पैरवी करने लगा। आपको बता दें कि प्रीतम सिंह अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार साबित करने के लिए नेशनल चैनल की आईडी फर्जी तरह से बनवाकर घूमता पकड़ा गया था और अपनी गाड़ी में हूटर लगाकर घूमता है। हूटर लगाए जिसका विरोध सम्मानित पत्रकारों द्वारा किया गया और अब अपने रिश्तेदारों का एक फेवर करते हुए रटा रटाया आरोप एक निजी चैनल एनटीवी भारत के माध्यम से लगाया। प्रीतम सिंह खुद को एनटीवी भारत एडिटर इन चीफ बताता है और खुद एंकरिंग भी करता है। जनता को धोखा देने के लिए अपने बनाए हुए निजी चैनल को सभी प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हो गया। ऐसा बताने वाला अपने रिश्ते में चाचा की पैरवी करते हुए यह भूल गया कि उसने भी खबरें चलाई थी और अपनी खबरों पर यह भी कहा था कि सभी रेलवे विभाग को ठेकेदारों के हिस्सा मिलता है। ऐसा आरोप लगाया था, पूरे रेलवे विभाग को नपुंसक भी बताया था, दर्जनों वीडियो का हवाला भी दिया था। hind.com साइट उसने बना दी, हमने स्टिकर उससे लगा लिया, हूटर भी लगा, पत्थर हूटर लगाते हैं क्या? कितनी बार भैया बनवाई किया साइट, किससे बनवाई आप हमें ये बताइए? भोपाल, भोपाल कौन है? भोपाल, भोपाल के साइड सारी बनी तो वही तो आप देखिए ना उसको, उसने नहीं तो बना दी। नहीं आपने जब बनाया था आज तक hind.com से साइट बना दी, बोला भैया आप साइट अपनी चला, तुमने नहीं तुमने पूछा नहीं उससे कि आज तक का नाम यूज करने गलत नहीं? कई बार कहा भैया आप लगने नहीं दे रहे, हमने उसको कई बार बोला, ये तो गलत है ना? अगर आज तक की आईडी आप hind.com जो आपने बनाई है इसमें कभी ऑब्जेक्शन ना हो? नहीं बोला भैया कोई दिक्कत नहीं, भैया कोई आए सर आज सुनो मेरी बात, क्यों बनी भैया आप बोलिए अभी आप। सूत्रों का कहना है कि प्रीतम सिंह की सेटिंग हो जाने के बाद से प्रीतम सिंह अपने रिश्ते में चाचा सतीश और भाई माखन के ऊपर वेंडर द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत साबित करने में इतना मगन हो गए कि सभी YouTube चैनल को गलत बताने लगे, एक धर्म के लोगों के खिलाफ जहर बोलने लगे, बकरा काटना मुर्गा काटना भुला देने की बात कहते हुए जातिवाद के भड़काऊ पोस्ट को सही बताने लगे। ऐसे में एक सवाल प्रीतम से यह बनता है, रेलवे भी पुष्टि कर रहा है कि सतीश और माखन के होने का वेंडर भी आरोप लगा रहे हैं नाम लेकर और आपके चाचा सतीश और भाई माखन का। प्रीतम जी आपका भी कहना है वीडियो एडिट है कहीं और का है, तो महोदय रेलवे विभाग की एक टीम आई थी जांच के लिए, टीम को पूरा डाटा दिया गया है और जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी मिला है, बाकी जांच का विषय है। स्पेशल रिपोर्ट RTI न्यूज 24। ₹50 तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अभी बंद हो गई है में।
आप लोग क्या कहना है, सौदा रेट से बिकेगा? रेट बिकेगा तो माल नहीं बिकेगा, हम लोग के रेट सब रख चुके हैं। तो आज आप लोग हड़ताल कर रही, क्यों कर रही है, क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहेंगे 60 रुपए का खाना बिकेगा, साग का बिकेगा, 15 की पूरी है 15 की बिकेगी, उसमें आपका बिकवा रहे 15 रुपए पानी बोतल है 15 की। तो पूरी सब्जी के खाने कितने बिक रहा है इस समय? पूरी सब्जी बंद हो गई है, मखान और सब्जी 30 रुपए का बिकवा रहे थे। क्यों बिकवा रहे 30 रुपए का? अरे वो कोड़े मार के कहते पैसा लाओ, चाहे जहाँ ले लाओ हमें काम कराओ। अच्छा, ऐसा क्या? प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।